राज्य सरकार ने विधानसभा सत्र में भाजपा के 12 सदस्यों को निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी विधायकों का निलंबन रद्द कर दिया है। इस फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस इन दिनों प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया। फडणवीस ने सत्यमेव जयते कहते हुए कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे विधायकों ने मॉनसून के सत्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर आवाज उठाई थी। उस वक्त इन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबन रद्द करने का ऐतिहासिक फैसला दिया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और कोर्ट को धन्यवाद देते हैं। अदालत का यह फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है और दूसरी ओर यह महाविकास अघाड़ी के मुंह पर तमाचा है। इस सरकार द्वारा लिया गया निर्णय असंवैधानिक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचे मनापासून आभार मानतो की सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेने भारतीय जनता पक्षाच्या 12 आमदारांच्या निलंबनाचा जो अत्यंत अवैध असा ठराव केला होता त्याला रद्द केलेला आहे आणि हे 12 ही आमदार पुन्हा एकदा महाराष्ट्र विधानसभेमध्ये सहभागी होण्याकरता आणि आमदार म्हणून आपलं कर्तव्य बजावण्याकरता पूर्णपणे पात्र ठरवलेले आहे। फडणवीस ने सभी भाजपा विधायकों को न्याय मिलने पर बधाई भी दी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि मैं पहले ही कह रहा था कि राज्य सरकार का यह फैसला गलत है। मैंने उल्लेख किया था कि यह निर्णय अवैध था। सरकार ने आर्टिफिशियल नंबर के बल पर यह फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे कोई खास वजह नहीं थी, इसलिए कोर्ट ने हमारे मामले की सुनवाई की और हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ 12 विधायकों का नहीं बल्कि 12 निर्वाचन क्षेत्रों के 50 लाख से अधिक नागरिकों का सवाल था। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा टवा, BCN न्यूज़ नागपुर।